जय श्री कृष्ण राधे राधे श्रीधाम वृंदावन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों आज मैं आपको लेकर गया हूँ वृंदावन। वृंदावन का वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था, आज मैं उसी स्थान पर आपको लेके आया हूँ। तो चलो देखते हैं। इसी डाल में ही चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाया था यमुना में, और ये जो आप निशान देख रहे हो ये बताते हैं भगवान श्री कृष्ण का। क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा, तो फिर तू ही लेके आ। दोस्तों ये इस समय जो आप देख रहे हो ये काली देह का मेन गेट है, यहीं से एंट्री ली जाती है। और जो अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ काली देह के अंदर, वो सीन दिखाऊंगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यमुना नदी पर छलांग लगाकर यमुना जी में कूद गए थे। जो आप इस समय दर्शन कर रहे हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का मान मर्दन। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर के आया हूँ वृंदावन, जहाँ पर आप देखोगे इस ब्लॉग के माध्यम से जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने उसी जगह आपको लेकर के आया हूँ। दोस्तों काली देह स्थान जो पड़ता है वो वृंदावन की परिक्रमा पर ही पड़ता है। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो कि वृंदावन की परिक्रमा यहाँ पर भक्त लोग लगा रहे हैं, तो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ काली देह घाट पर। दोस्तों आपको काली देह मंदिर दिखाऊंगा और वो स्थान दिखाऊंगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यमुना नदी पर छलांग लगाकर कालिया नाग का मान मर्दन किया था। तो दोस्तों बने रहे मेरे ब्लॉग पर और दिखाता हूँ आपको काली देह मंदिर। आज आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों बहुत ही सुंदर भाव के दर्शन करने के जाल लिए जा रहे हो। आज आपको लेकर के आया हूँ वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पास पड़ने वाली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है काली देह। दोस्तों इस समय आप काली देह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में अपने ग्वाल वालों के संग गेंद खेल रहे थे और वो गेंद यमुना नदी पर चली गई थी, तो यहाँ पर इसी कदम के पेड़ पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाया था। दोस्तों आज मैं आपको द्वापर कालीन जो कदम का पेड़ था, आपने कहानी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके एक डाली में छलांग लगा दिया था यमुना जी पर। तो दोस्तों यही वो कदम का पेड़ है जो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। ये जो आप डाल देख रहे हो ना दोस्तों, द्वापर युग में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी डाल पर चढ़ करके छलांग लगाया था और यहाँ से
ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यमुना नदी बहा करती थी, जहाँ पर कालिया नाग रहता था। तो दोस्तों बने रहने मेरे ब्लॉग पर और आपको दिखाता हूँ काली तह वृंदावन में। दोस्तों आप ये जो कदम का पेड़ देख रहे हो और इसमें ये जो डाल है सामने, और ये 5,500 साल पुराना कदम का पेड़ जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं। दोस्तों इस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो यहां पर अमृत कलश भी रखा गया था। इसमें वो निशान अब भी बना हुआ है जहां पर अमृत कलश रखा गया था समुद्र मंथन के टाइम पे, जो आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों ये स्थान जो आप देख रहे हो दोस्तों, इसी जगह अमृत कलश रखा गया था और अब भी वैसी ही डिजाइन कलश की जैसी दिख रही है। ये जो आप स्थान देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर कालांतर में द्वापर युग में कभी यमुना नदी बहा करती होगी। युग बीत गया, यमुना नदी ने अपना थोड़ा सा किनारा बदल लिया, लेकिन वो निशान वो पदचिन्ह आज भी बने हुए हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मान मर्दन किया था, जो आप इस समय देख रहे हो दोस्तों। कालिया नाग यमुना में रहता था, इसकी वजह से इतना पानी विषैला हो गया था कि जो गाय या कोई यहाँ का पानी पीता था तो इतना जहरीला होने की वजह से वो तुरंत ही मर जाता था। तो ये भगवान श्री कृष्ण अपनी एक लीला दिखाने के लिए दोस्तों अपने ग्वाल वालों के साथ यहाँ पर गेंद खेला था और जानबूझ करके गेंद को यमुना नदी में डाला था ताकि कालिया नाग का मान मर्दन कर किया जा सके। तो वही एक सुंदर लीला के भाव मैं आपको दिखाने की आज अपने ब्लॉग में कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, क्योंकि बहुत से लोग माँ की कसम भगवान की कसम देते हैं कि लाइक करने के लिए। और यहाँ पर कुछ ऐसा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिख रही हैं, जैसा कि आप दोस्तों जानते हो कि मैं अपने ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक ही वीडियो लाता हूँ और उसी की कड़ी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको यार लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही एक भक्ति भाव से परिपूर्ण एक वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।